ब्या किताब मिर्ज़ा कली बेग जा मिलन था जी तख्लीकी हुआ बारन के लिए कहानियन जहाँ हुआ बारन के लिए शेर जहाँ हुआ उन अग में 1853 का वी 1900 तीन घने भांगे तर्जुमा कंपाइलेशन हिंदी में अंग्रेजी में उ खी शो पूरा हुए तो बारन के बोली सेखारज 1900 का वी वे मिर्ज़ा कलीद बे कोड़ेमल चंदनमल खिलनानी ए बया केतरा ही अदीब हुआ राइटर हुआ उन कम के अगत 1914 में पहरियों रिसालो बारन जो होपफुल अकेडमी स्कूल खां शिकारपुर खां निकतो ते हुंदे भी यो दौर एस तई हले तो 1920 तई 1920 का जो कम थो है घणे भांगे तख्लीकी कम थो है जैमें भेरूमल मेहरचंद आडवाणी जो किताब है उनखां सवाए अगतेली जुमे खान गरीब जो किताब है मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर उनते लिखो सुंदर साहित्य मंडल हैदराबाद में कायम थो उन तमाम घणो कम कयो सवन जी तादाद में बारन जा किताब शाया कया मिर्ज़ा कली बेग जा पहरिया बारन जा किताब 1923 खां आउं समझा तो 1920 वाले ॾहाके में या उनखां पोए पहरिया किताब सुंदर साहित्य मंडल छपिया जिनके पोइ सिंधी अदबी बोर्ड 1967 में अची छापियो तो समझा तो इनखां 1920 खां वठी 1947 ताईं विरहांगे ताईं ज़बरदस्त किस्म जो बारन जे अदब में कम थियो हैदराबाद में ख़ासि तौर ते लाड़काणो हैदराबाद शिकारपुर इवन कराची बारन जी वॾी में वॾी तंज़ीम 1923 में क़ाइमु थी बालकन जी बारी दादा शेवक भोजराज लाड़काणे में स्टार्ट कई जेका पोइ हैदराबाद ऐं कराची में 1932 में 36 ताईं उन पंहिंजो हिकिड़ो पूरो नेटवर्क क़ाइमु करे छॾियो जंहिंजा वॾा वॾा हिकिड़ा कन्वेंशन उन वक़्त में जीअं अॼुकल्ह जा फेस्टिवल आहिनि असां चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल कयो आहे गुज़िरियल महीने इन जी बिल्कुलु जेका अवाइली शिकिल हुई उहो ॿारनि जा कन्वेंशन हुआ पहिरियों कन्वेंशन लाड़काणे में थियो पोइ कराची में थियो पोइ हैदराबाद में थियो त उन बि हिकिड़ी वॾो तहरुक पैदा कयो सिंध में इहो सिलसिलो हलियो विरहांगे ताईं विरहांगे खां पोइ जेका सूरत हाल थी त घणे भाङे जेके बि अदीब हुआ उहे हिंदू कम्युनिटी सां तालुक़ु रखंदड़ हुआ सवाइ मिर्ज़ा कली बेग जुमो ख़ान ग़रीब मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर जे बाक़ी सभु त हितां हलिया विया इन खोट जो जेको पोइ पूराओ थियो उहो हैदराबाद में 1953 में दीनू जे पिण मां ग़ुलाम मुर्तज़ा भट्टी उहो साॻियो सिलसिलो स्टार्ट कयो जेको दादा शेवक भोजराज छॾे वियो मतिलबु हुन उहो रिसालो उन नाले सां जेको 1923 में दादा शेवक भोजराज गुलिस्तान जे नाले सां जारी कयो साॻियो रिसालो ग़ुलाम मुर्तज़ा भट्टी साॻे नाले सां 53 धारे हैदराबाद में शुरू कयो ऐं वरी बज़्म गुलिस्तान जे नाले सां तंज़ीम बि क़ाइमु कई ऐं ईअं पोइ इबरत अख़बार वारनि 1958 में ॿारनि जी ॿारी हिकिड़ो पंहिंजो सुफ़ो शुरू कयो 1957 में टंडे मोहम्मद ख़ान में अयाज़ पाटोली साहबु तमामु वॾो हिकिड़ो वॾो कमु कयो जेको ब्रेक थ्रू हो सवन जी तइदाद में किताब छपिया बज़्म गुलशन सिंध जे नाले सां ॿारनि जी तंज़ीम क़ाइमु थी ऐं ईअं पोइ 60 वारो ॾहाको हो उन में बि हिते भट्टी बिरादरान जेके ख़ासि तौर ते हैदराबाद उन में फोकस रहियो असल में ॿारनि जे अदब जो मक़सदु को उन में को ॿिया नज़रिया या दुनिया जा उन कंहिं हद ताईं उहे पोइ आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त कुझु उन्हनि जो असरु ज़रूरु थियो उन्हनि नज़रियनि जो पर ॿारनि जे अदब जो बुनियादी जेको मक़सदु हो त ॿारनि खे ॿोली सेखारणु उन्हनि खे पंहिंजी धरती ॾांहुं पंहिंजे माण्हुनि ॾांहुं पंहिंजी क़ौम ॾांहुं पंहिंजे सकाफ़त ऐं तारीख़ ऐं तहज़ीब ॾांहुं रूचनास उन्हनि खे कराइणो उन्हनि खे वाक़ुफ़ु कराइणो जेको ॿारनि जे अदब पंहिंजो कमु कयो पिए 70 वारे ॾहाके में ख़ासि तौर ते जेको मुंहिंजी तहक़ीक़ में मूं उन ते फोकस कयो पिए 70 वारे ॾहाके में हिकु त अख़बारनि बि पंहिंजा जेके ॿारनि जा सुफ़ा बाक़ाइदगी सां शाया करणु शुरू कया पर पोलिटिकल पार्टियुनि पंहिंजूं ॿारनि जूं विंग्स जेके शुरू कयूं अख़बारनि जेके ॿारनि जा सुफ़ा हुआ उहे न सिर्फ़ु सुफ़ा हुआ पर उन्हनि सां गॾो गॾु उन्हनि जूं तनज़ीमूं बि हुयूं गुलनि जहिड़ा ॿार हिलाल पाकिस्तान जी हुई बालकन जी ॿारी इबरत अख़बार वारनि जी हुई सिंध न्यूज़ ऐं ॿियूं केतिरियूं अख़बारूं जेके बि अख़बारूं हुयूं ऑलमोस्ट उन्हनि पंहिंजा ॿारनि जा सुफ़ा बि शुरू कया ऐं ॿारनि जूं तनज़ीमूं बि मक़सदु इहो हो त उन्हनि ॿारनि खे पंहिंजे धरती ॾांहुं पंहिंजी सकाफ़त ॾांहुं पंहिंजी क़ौम ॾांहुं उन्हनि खे हिकिड़ो माइल करिणो हो उन्हनि खे वाक़ुफ़ु करिणो हो 80 वारो ॾहाको जेको उहो तमामु अहम बि हो ऐं सोचींदो आहियां त इन ते आउं कॾहिं हिकिड़े ॿिए रुख खां पोलिटिकल साइंस जो शागिर्दु न आहियां मूंखे सम्झ में नथो अचे त 80 वारो ॾहाको इहो पूरो वरी मार्शल आर्ट जो दौरु ऐं उन विच में हेॾो वॾो कमु थी वियो हुयो सवन जी तइदाद में ॿारनि जा किताबी सिलसिला शाया थिया बल्कि उहो 80 वारो ई ॾहाको हो जो नसीर साहब जो पहिरियों किताबु छपियो उन में अदल सुमरे साहब जो किताबु छपियो उन में ज़ुल्फ़कार सियाल जा किताब छपिया उन में साईं मुख़्तियार मलिक जो किताबु छपियो ऐं इवन केतिरियूं तनज़ीमूं बि शुरू थियूं ऐं वेंदे
नवे वो डहाको पो वरी अचे तो जैमें अस सब आयो भोला वैष्कम्बरानी है अस अब्दुल्ला भुट्टो है मलार सिंधी है केतरा ही असा दोस्त वो है मकसद यो तो सजो तहरीक हुई बार अदब भी तहरीक की शिकिल में हलो है उनमें सियासी पार्टियों जो जी कौमी तहरीक जैसे लतीफ संगत हुई तमाम वो कम उन सुजाग बार तहरीक जो अना ती कम करे पे थी उन साथी बारड़ा संगत हुई असाज तरक्की पसंद दोस्त की तो उन तंजीमन अखबारी बार सुफन अदीबन वो लगातार कम करो अलमोस्ट वहीं सन 2000 तई मुख्तलिफ़ हिस्सों में रफ्तार से हलो रो 2000 का थ्रू आउट चिल्ड्रंस लिटरेचर जो मकसद हो या उनके चेजे खड़ी वो तब्दील हलो उन करे तो सिंध के बार ओवरऑल बार दुनिया में नई शूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अचन लगी हाँ बार के हथ में एक मोबाइल है टेबलेट है इंटरनेट है कंप्यूटर है केतर शन गेम्स उन करे बार जो भी रवैयो तब्दील थे लगो माइटन जो भी रवैयो थ्रू आउट तब्दील हलो रिसाला बंद थे लगा तंजीमू बंद थे लगूँ अखबार सुफा बंद कर शुरू कया तो सो सिलसिलो 2000 का ये समझो वाइंडअप ही हलो उन जदीद अंदाज से असें चिल्ड्रंस लिटरेचर से कम करण हो जो अस में न कैपेसिटी हुई न को अस कर सकियासी सिर्फ़ ए सिर्फ हिंसर तुम हिंसर बुक स्टॉल बहर ऐस पीआरपी एसआरपी वन जो यो जदीद तरीको उन्होंने असेंगे सेखारो समझाया तो बार जैसी उम्र 5 साल आठ साल आह साल वो बार वो केतर लाइनों पढ़ी सके तो पैर लाइन में उनजा लफ्ज़ घना होजन लफ्ज़न में उनजा अखर घना होजन जदीद साइंसी अंदाज से चिल्ड्रंस लिटरेचर का बार अदब का रोशनास करायो वो असेंगे खबर पी तो बार अदब एक स्टेज वाइज एक उम्र वाइज भी दुनिया में ये थे तो सो आऊँ समझा तो एक बार अदब सिंध सिंध में हि सी क्रीम जदीबन की है जहाफियन की है जड़े साझा तबके की है वो सब पैदा कल है बार तंजीमन की बार अखबारी सुफन की बार अदब की हाँ उनके मौजूदा दौर में जो असो बार है जो फोटो भी कटे तो उनके हथ में कैमरा भी है उनके हथ में मोबाइल भी है हाँ वो कलमी दोस्ती तो है कान हाँ वो मोबाइल से फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट मोकले तो हाँ वो कलमी दोस्ती आ ही कान तो हाँ थ्रू आउट जो ट्रेंड है वो तब्दील हाँ ये रिसालो बिसालो बार यह हकीकत आ तस्लीम कजे न कजे तहज बार अखबार अचे थी न को अखबार जो सुफो छपजे तो न को रिसालो खी वो पढ़े तो हाँ शूं चेंज आन वो उन उन इन इन सजे अस इन टारगेट के कें अचीव क्यों इनते कम कर मां समझा तो प्रिंट मीडिया जो बावजूद इन जी जो ई बुक्स अची वही बार कंप्यूटर टैबलेट से अची वो है पर असो प्रिंट मीडिया जो जो सिस्टम है वो बहरहाल असि अतरा मायूस ना आयो तो असो बार जो पिक्टोरियल बुक्स या जी रंगीन कहानियों से मुश्तमिल किताब हैं उन गड हाँ उनके सी डी 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 वे तो वो प्रिंट सी डी से गडोग हलाई हल असा असल में ना सिर्फ 45 मिनट हैं असें डिस्कस करो है सिंधी अदब पूरे 72 साल 1947 का 2017 साल असं इख्तसार से एक बो राउंड कंदी इन राउंड में मुझे बिल्कुल दिल चवे थी तो अगत हल्दस डॉक्टर साहब जिन सा लोक अदब तहकीक से भी गुफ्तगु कस सिन्फुन से गुफ्तगु कंदी बार अदब जो इम्पैक्ट छो खत्म थी उन भी अगत अली खालिद का आखिरी सवाल कंदी पर वक्त मुझे सवाल जो है बो वो मुमताज़ बुखारी साई से सिर्फ अफसानों ही कुछ को कें भी लिटरेचर में सिर्फ अफसानवी अदब की का अहमियत कान होंगी है जर ये न होजा तो बी सिन्फू न होजन हाँ इन कर मिर्ज़ा कलीच बेग तुम ऐसो तो 1900 में डाढ़ियारे जबल जो उन सैर सफ़र आर्क्योलॉजी से निकली वो है उन सफ़रनामो लिखो है डाढ़ियारे जबल है गोरख हिल है वरी उन महसूस थो तो सारी दुनिया जहाँ मानू पैंजा एक्सपीरियंसिस लिखन था उनके ऑटोबायोग्राफी की एक सिन्फ के नाले से याद किया तो वे तो उन साओपन या कारोपन एक ट्रेंड कायम किया वा मून उसे जबरदस्त पैंजे जिंदगी जो पोता मेल भी ऑटोबायोग्राफी की सूरत में लिखी वन गडो गड उन वरी ट्रेवलॉग अस जैसे डिसूँ था तो दुनिया के वन वन लेखक दुनिया जहाँ सैर सफर कर ट्रेवलॉग लिखा तो आऊँ चाहस त मुमताज़ इन टिन्हीं चौथी शा है वो है मीडिया अचण का प्ले राइट या ड्रामो जो पे स्टेज हो वरी मीडिया रेडियो टीवी जो ड्रामो थी हाँ बुनियादी तरह से चार मुझे सवाल इनके कंक्लूड कह मुमताज़ त सिंधी असावट सिंधी बोली में आत्मकथा सफरनामो
ऐं प्लेराइट ऐं सफ़रनामा इन सभिनी केतिरी तरक़ी कई आहे ऐं छा उहे एतिरे वॾे इम्प्रेशन छॾे चुक सघिया आहिनि जहिड़ा दुनिया जा वॾा ट्रेवलॉग वॾियूं ऑटोबायोग्राफ़ीस छॾे चुकियूं आहिनि। असीं साहब पाण जेको पहिरें सेशन में 60s या 70s जी हिकिड़ी अफ़सानवी अदब जी जेकी लहर हुई ओसि ताईं पिए ॻाल्हायोसीं, जेकी ॿी लहर आहे जेका सिंधी अदब में घणा पासा घणा रुख खोले थी उहा 70 वारे ॾहाके खां शुरू थिए पई। जेतोणीकि पोएं जेके पोएं हिसे में पाण जंहिंजो ज़िकिर कयोसीं उन में जेको सवानी अदब आहे, ख़ाका आहिनि, ख़ाका निगारी उहो बि तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ में आयो, जहिड़ा गुल गुलाब जा हिकिड़ो शाहकार मिसाल आहे ख़ूबसूरत नसर नवीसीअ जो। पर जेको जेको 70 वारो ॾहाको आहे उन ते असरु विधो सहाफ़ती अदब, जंहिंमें अमर जलील, कमर शहबाज़ जा कालम अची विया, हिकिड़ो ग़ैर अफ़सानवी अदब में अफ़सानवी रंग उन्हनि उन में शामिलु कयो, जेको दुनिया जी ॿियनि तहरीकुनि अदबी तहरीकुनि में जेतो ऐं उनखां सवाइ जेको अदब हो उन में बि मौजूदु हो। गार्शा मार्केज़ पाण जर्नलिस्ट हुयो ऐं हिकिड़ी जर्नलिज़म जी रिपोर्ट करण लाइ जॾहिं हिकिड़ी पुराणी डमीज़ में वञी करे पुराणनि बादशाहनि जा रिपोर्ट करण लाइ उनखे हुन में अंदरि वञिणो पियो, जिते ताबूत पिया हूंदा आहिनि उनखां ॿाहिरि निकितो, तूं नाविल निगार थी निकितो। ईअं असां वटि जॾहिं अमर जलील, आगा सर, कमर शहबाज़, सिराज इन्हनि कालम ते लिखिया, उन सां गॾु उन जो तख़लीकी पोरियो शामिलु हो, उहो जेको उन्हनि जो नसरी अदब हो जेको सहाफ़ती अदब चइबो आहे उहो हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में सर्जो थिए वियो। अल्ताफ़ शेख साहबु जेको किताब आमतौर ते सॼी दुनिया में नावेल हिकिड़ो अहिड़ी मीडियम रही आहे जंहिं मज़हबी किताबनि खां पोइ वधि में वधि पढ़ंदड़ पैदा कया आहिनि, पर सिंधीअ में अल्ताफ़ शेख साहबु वधि में वधि सिंधी पढ़ंदड़ पैदा कया। हिकिड़े सफ़रनामी अदब वसीले ट्रेवलॉग लिटरेचर जंहिंखे चऊं था त उन उहो पैदा कयो। उनखां पोइ जेकी ॿी लहर अदबी लहर सां गॾु जेको सहाफ़ती अदब जे हवाले सां मां चवां थो या नसरी, जंहिंमें चाशनी, लफ़ाज़ी ऐं कंहिं हद ताईं थाट मौजूदु उहा पैदा थी, जीअं अब्दुल वाहिद आरिसर साहबु, एजाज़ मंगिया, तव्हांजो ख़ुदि नसीर मिर्ज़ा जे जेको इहो महमूद मुग़ल, हीउ जेको हिकिड़ो कालम में चाशनी विझण वारो हिकिड़ो माण्हू खे वराए पाण ॾे ग़ैर अफ़सानवी अदब खे पढ़ण वारो उहो जेको आहे रमज़ आंदी। उनखां पोइ वरी हिकिड़ो ॿियो जेको हिकिड़ो सहाफ़ती अदब मां ई बि ॿियो रुख जेको आयो त आम माण्हू जूं ॻाल्हियूं खणी सहाफ़ती अंदाज़ में पेश करण वारनि में, जंहिंमें पाण निसार खोखर आहे, इसहाक मंगरियो, इमदाद सुमरो, नासतो, अहिड़ा कुझु तव्हांखे इक़बाल मला नाला मिलंदा जेके उहे शयूं खणी आया। त हीउ हिकिड़ो पोर्शन इहो हो। ऐं ॿियो त जेको सवेर बि असां हिकिड़ी ॻाल्हि कईसूं त जेके नज़रिया थ्यूरीज़ उहे तॾहिं जुड़ंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां वटि हिकिड़ो सुठो अदब तख़लीक़ थींदो आहे। जेकॾहिं 1605 में सर्वांतेस डॉन क्विक्स्ट नावेल न लिखी आहे त वजूदियत वारी फिलोसॉफ़ी या जदीद यूरोप वारी जेको अदब में फिलोसॉफ़ी आहे उहा एतिरी जनम न वठे आहे। विलियम वर्ड्सवर्थ जेकॾहिं नेचर ते न अचे आहे त नेचुरलिस्ट थ्यूरी जनम न वठे आहे। त ईअं जेकॾहिं असां वटि इहो मसइलो इहो थियो, असां वटि जेको अदब आहे उन जंप खां पोइ सुठो अदब तख़लीक़ थियणु लॻो। नसीम खरल हिकिड़ो वॾो अदब तख़लीक करे ॾिनो ग़ैर अफ़सानवी अदब में, वरी उनखां पोइ बराबरि पॉपुलर अदब में अमर जलील, नूरुलदास आई, जेकी जंहिं अदब खे जंहिं ट्रोड़ ॾिनो वॾो हिकिड़ो ई जंप ॾेई ॿुधायो उहो माणिक हुयो। अफ़सानवी अदब में माणिक हुयो जंहिं उहो कयो, जीअं अल्ताफ़ शेख कमु कयो हेॾा माणिक उहो कमु कयो कहाणी ऐं नावेल में, जेका उन क्लेची जेकी चइबी आहे उहा उन ट्रोड़ी जेके उनखां पोइ वरी जेको हाणे असां ॾिसूं था त हाणे रसूल में माण्हू उहा टोड़ियो वेठो आहे। जेके असल अदब जी असल हक़ीक़तूं जेके असां चवंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ थ्यूरीज़ में ॾिसंदा आहियूं या अदबी तहरीकुनि में अचो थी, वरी उन सां उहो हिकिड़ो ख़ुश्क मौज़ू थी वेंदो, उहे उन अची रसूल में माण उन पंहिंजा मौज़ू खणी अंदरि जी जेको आहे फीलिंग्स, हक़ीक़त निगारी, जादुई हक़ीक़त निगारी जा टेंट्स जेके शेख अयाज़ साहिब जो जेको आहे पाण ग़ैर अफ़सानवी अदब नथा विसारे सघूं, जेके मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि खे अहिड़े अंदाज़ अहिड़े पेराए में उन पेश कयो जो पढ़ंदड़ खे हिकु मालूमात बि मिली पर उन सां गॾु हिकिड़े सुठे अदब जो ग़ैर अफ़सानवी अदब आहे उनजो बि हिकिड़ो मज़ो आयो। ऐं उनखां सवाइ असांखे शेख अयाज़ जी ख़ुदि काक ककोरिया कापड़ी हिकिड़ो अहिड़ो किताबु आहे नसुर जो हिकिड़ो अहिड़ो शाहकार अंदाज़ आहे, मां नथो सम्झां त कंहिं ॿिए आम राइटर वटि अहिड़ो थी सघे थो।
तो उन गैर अफसानवी अदब में अफसानियत जो मज़ो जो वो भी उन आंदो माना यो असाजे नसरी पहलू में आयो बो असाजे नसरी पहलू में हाँ जी तो अस जदीद दौर में दाखिल थी चुका आयो जदीद दौर सजी दुनिया में हाँ इंटरनेट भी आए साइबर स्पेस की दुनिया में अचूँ पा सुबह गूगल पाँच सैटेलाइट से छींदी सजी दुनिया समुंड के अंदर सहरा के अंदर सजी दुनिया से जुड़ियल हूँ तो उन वक्त अस वो अदब हों या किताबन में या ई बुक्स में या अस खुद जो आम जो खुलियल राइटर है जो छुड़वाग राइटर हों को अदीब भी न सजबो पर लिखंदड़ हों वो सजी दुनिया से शेयर कर रो हों वो जो अदब असाजे इंदड़ नसलों ते इंदड़ असाजी वक्त सा ते असरअंदाज थेणो आ वो भी असाके उन ते भी यकीन ध्यान रखनो है पर हाने वरी आखिर में इख्तिसार सा में बी गाल कड़ी ताके यो बताइंदो हला त जेको ही ब पासा पा कयास अफसानवी गैर अफसानवी अदब जा पर एकड़ो बियो अदब असा वट तमाम घणो पैदा थींदे थींदे रहजी पियो वने हलेंदे हलेंदे बीजी पियो वने वो साइंसी अदब असा वट मौजूद है साइंसी अदब साइंसी मवाद छो तो लिटरेचर जो मतलब रुगो खाली अदब न है लिटरेचर जो मतलब मवाद है उनके घनी वरी उनमें जैसे कैनवस से असा लिटरेचर जो मतलब है मवाद उनमें जो साइंसी पासो है असा वट अली मुर्तजा धारे जो साहब हैं या कुछ बया दोस्त उ लिखन पा तो वो जो साइंसी अदब जो मवाद है उनमें अदब वो अंदाज जो क्रिएटिविटी वो जो पहलू ऐसा वो भी वो मौजूद है जैकड़ी साइंसी जान दे पो औरत के हवाले से साइंसी जान दियण की कोशिश करे तो उनमें यकीन उनके रस्तों कड़ो इख्तियार तो करो पे छो तो हर माशरे की पैंजी समाज जा उनते बैरियर्स हूँ उ बैरियर्स जो सामू रखी करे वो छो तो आर्टिस्ट की वही वही खूबी है तो उन बैरियर्स के होंदे भी पैंजी गाल करे वे जो माणिक असा वट करे रसूल में वट करे पो तारिक कुरैशी रहमत मान्योठी करे पो तो ये बैरियर्स के होंदे भी जो गाल करो जो मामलो वो साइंस अदब भी असा वट छो तो असड़ी समाजी जो या खुद एक मजहबी जो कट्टरपणे जहाँ जो असर मौजूद आन उनके सामूँ रखी करे पो तो इन वक्त सिंधी अदब में समूरन डायमेंशन से कम थे पो पर जो घड़ो कम थे पो वो अफसानवी या सहाफती गैर अफसानवी जो अदब है नसूरन ते थे मुमताज तहाँ नो बो सवाल इन बिटवीन द लाइन कह हल असा वट जो लिटरेचर क्रिएटिव लिटरेचर असं जैसे चवंदा आयो उनमें क्रिएटिविटी होंदी है उनको हुसन उनकी तखलीकियत में शामिल हों उनको मिसाल आऊँ ये तो दें तो लिखण एक आर्ट भी है जेस तई तभी माखी की मख जो गुलन त खी अचे थी वह माखी वह हनी को उनमें उनकी क्रिएटिविटी भी शामिल होंगी है इो हों हुनर कें भी लेखक जो इो हुनर ही कें भी बोली के लेखक के इनफरादियत दियारी है पाँ पैं बोल में भी हमसर में भी शुरू में अफसानवी अदब में हकीकत पसंदी जो जमानो आयो तो मान अफसाना निगार हकीकत पसंद थी अफसाना निका लिखा उन में टेक्निक्स ज क्राफ्ट ज तजुर्बा रहा जिनके डायलॉग फॉर्म अख्तियार कयो के मोनोलॉग इस्तेमाल कयो के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल कयो या खेप वरी उआ है जैमे असाजो मुश्ताक शोरो है शौकत हुसैन शोरो है अब्दुल कल माणी साहब है मदद अली सिंधी साहब है मुझे सवाल तहां का यो है ता असाजे वडन या असाजे सीनियर्स राइटरन जेको हिकड़ो जबरदस्त आर्ट एंड क्राफ्ट अफसानवी अदब के डेडिकेट कयो छा नई खेप जेका आई है उन उनते पूरी तरह से अमल कयो उनका अगते वध्या या वो उते ही बिठाएं इतरो यो तमाम दुनिया में डिबेट है एकड़ो आर्ट असा वट जेको असा जे वडन दिनो वो उन वक्त अफसानवी अदब में या गैर अफसानवी अदब में यो मुंड विच शुरुआत आखिर ठीक उनका पो उनमें उनजी पेंजी अप्रोच उन छा फिलोसफी दिनी उन वरी बो जो अदब अचे पो जो सजी दुनिया की अदब की लहर उनते छाजे थी जो पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे चवंदा आयो वो अची वो ट्रांस रियलिज्म जो हाँ इन वक्त दौर हले पो ये जैसे आया तो असा वट इन सजी किस्से के टोड़ो अची माणिक टोड़ो तारिक आलम टोड़ो तारिक आलम एक शानदार कम कियो तो उन जो सेकेंड पर्सन जो वो मोनोलॉग में हले पो माना एक नो तजुर्बो हो या हाँ असा वटो जफर जुनेजे जो नावल है उनो फॉर्म फॉर्मिज्म में जो एक अस फॉर्म कड़ो आनमें कम कियो यकीनी तौर पर असाजे उन दौर के जे अदबी
असर हुआ अदबी अंदाज में नसीम खरल ताई मिसाल असां ते वॾो असर रहियो ओहेनरी मोपासा सादत मिंटू कृष्ण चंद्र प्रेम चंद उन्हनि जो जेको असर रहियो उन ई अंदाज़ जी असां वटि कहाणी आई पोइ असां वटि हाणे जेको वधीक में वधीक ट्रेंड आहे हिन वक़्तु जेको तव्हां ॾिसंदा त हैरान थींदा त मूं हुन जी कैलकुलेशन कई त 7-8 सालनि जे अंदरि 50 नावेल सिंधीअ में छपियो आहे हाणे उन में घणो जेको असांखे नज़र अचे पियो उहो रिवायत पसंदी जे अंदाज़ में नावेल नज़र अचे पियो पर उनमें कुछ नावेल अड़ो है जो सफा जदीदियत के अंदाज में आको असे पुराने जो असो सीनियर लेखक है उनका अगते वो है बियॉन्ड है उनका जी हाँ मान जो तक जफर जून जो मिसाल दिनों ही फॉर्म जो सिंधी में अगमें न हो अड़े अंदाज जो उनका सवाए असो ये रिपोताज वो अंदाज है कहानी में भी अची मतलब सहाफती अदब जो दुनिया में असर छड़े पो देखो तमाम घना इन वक्त राइटर पायलो कोलो जर्नलिस्ट हुए मेलान कुंडेरा जो शुरुआत जर्नलिस्ट हुई उसे असर उन्होंने अदब में खी आया वो असर अस भी हाँ केतरा ही दोस्त आज जो सहाफत में अदब जो कम कंदा तक उनकी वह भी रिफ्लेक्शन नजर इंदी तो वक्त पुराने दौर के उनके उन पेराए में दिसबो अज के दौर के अज पेराए में दौर में अचो अदब का स्टेग्नेंट शे न है बीठल शे न होंगी उ डायमेंशन ठाई अज कहानी किथा शुरू थी किथे खत्म थी यो पैरामीटर न है अज दिठो यो वो कहानी ही जी उन्हें लिखी छी हाँ इन पैरामीटर किन छो तो ई थ्यूरीज जो ठयूँ उ अदब अदीब शायर या तख्लीकार उन थ्यूरीज के फॉलो न कर थ्यूरीज उन अदब से ठयू हुई ट्रेंड्स टेंडेंसीज उनकी उन सजे तख्लीकी अदब ई अस वो हाँ नो जो फिनॉमिनल जो किस्म की तब्दीली अचे पी सिंधी अदब में उ भी ई अचे पी बिल्कुल नो अचे पो बेहतर अचे पोएन की पैंजी शे बराबर तमाम आला है पर ही भी घट आला न होंगी मुमताज जो एकड़ो तमाम मसले तमेज जबरदस्त जवाब हो तो वह भी बेहतर हुआ ही भी बेहतर है हल्दस गफूर साई एडा गफूर साई हूँ थोड़ो जिक्र कंदा था हलूँ छाकाण त बिल्कुल जिक्र न आयो वक्त ढो मुख्तसर है तो असि सिंधी अदब में असि खवातीन जो है उन्होंने भरपूर किरदार है बादाम ना तवा वी जीनत अब्दुल्ला चन्ना सुमेरा जरीन उन माता महबूब रशीदा हिजाब वेदी असी शबनम गुल अतिया दाऊद त ही मूं सिर्फ़ नाला इन करे वरता था उन्हें पैंजू फॉलोवर्स पैदा क्यों हैं नयू लेखकों उन्होंने फुटस्टेप्स से हली आयु असी इन वक्त गफूर साई तक पुछण चाहिंदुस त बुनियादी तरह से जो तहकीक जो कम है त शाह लतीफ़ से तहकीक बेशक तो मिर्ज़ा कलीज बेग लाइफ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ के नाले से अंग्रेजी में अहवाल शाह अब्दुल लतीफ़ पर बुनियादी कम असी जैसे गुरबख्शाणी जो तुम तो वो तो शाह लतीफ़ के परख जो तो नमूनो ही अड़ो होजन घुर्जे एकड़ो तुम इतने ई केड़ा अड़ा मापा हुआ जिन जे लिए आंगुर खड़ी चो तो ही जबरदस्त है ही तहकीक बिल्कुल दुरुस्त अंदाज है प्लस मुझे बो सवाल तड़ी राउंड में होंद त कौमन में लोक अदब की जो अहमियत थे थी उ असो 70 साल में उन सिलसिले में अड़ो कारनामो सर अंजाम दई सो तो शाह लतीफ़ के नए रुख से तहकीक जो मतलब हो छाकाणि त शायरी त शायरी उनखे तव्हां कुझु बि इंटरप्रेट करियो पर जॾहिं गुरबख़्शाणी थो करे त चवंदा ही न को नओं अंदाज़ आहे ऐं ईअं ई असीं जेकॾहिं क़ौमुनि जे लोक अदब जे लाइ ॾिसूं त छा असांजे सिंधी क़ौम खे अहिड़ो शौर आहे त हुननि पंहिंजे लोक अदब जी वारसी कई आहे हा पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त शाह लतीफ़ ते जॾहिं तनक़ीद शुरू थी अर्नेस्ट ट्रंप खां वठी एच टी सोरले खां वठी उन वक्त में एकड़ो आम रवायत इहा हूंदी हुई त शाह लतीफ़ खे रवायती अंदाज़ सां पेश कयो वेंदो घणा माण्हू शाह लतीफ़ खे पीर दरवेश सूफ़ी दरवेश करे पेश कंदा हुआ जंहिं वॾियूं करामतूं ॾेखारियूं जंहिंजे करामतुनि जा ज़िक्र कया वेंदा हुआ रियलिटी ऐं रियल अंदाज़ जेको हो लिखत में या तहक़ीक में उहो कोन हो ऐं सिंध जे अंदरि तहक़ीक़ जो अञा रवाज ई कोन हो छो त सिंध में ॿुधल ॻाल्हियुनि खे कलम बंदि कयो वेंदो उन्हनि जो तहक़ीक़ी अंदाज़ साइंस ते कोन हूंदो रेफरेंसिस ते कोन हूंदो तंहिंजे करे असांखे पहिरियों दफ़ो जॾहिं डॉक्टर गुरबख़्शाणी जेको संस किता शाह लतीफ़ ते जेको लिखियलु मुक़दमो हो जेको मुक़दमा ऐं लतीफ़ीअ नाले सां वरी अलॻि उनखे छपियो वियो त उन मुक़दमा लतीफ़ी में असांखे
पहरी रिसर्च शाह लतीफ ते मिले थी जेका साइंसी अंदाज सा भी आए रियलिटी ते भी आए टो बी गाल तो जदीद पैराए में जदीद अंदाज में जदीद तरक्की पसंदी वाले पहलू से शाह लतीफ के जैसे मजहब से वो गाल तो बाकायदा शाह लतीफ के यो साबित करे तो शाह लतीफ वो हो जो सूफी हो जो सेक्युलर हो जी शाह लतीफ की जिंदगी से गाल तो उन जिंदगी जहा उ रियल वाक्या उ रियल पासा उन्होंने तो पेश करें करामतुन के कोन तो वे हाँ यो अंदाज जैसे असा के सामू आयो तो डॉक्टर गुरबख्शाणी की जो तहकीक है आं समझा तो यह शाह लतीफ की बुनियादी तहकीक है जैसे अज भी अस बीठा अज भी अस इन पायन से बीठा उन वरी वो ख्याल मिले तो शाह लतीफ से तनकी तो अलाइन कई मिर्ज़ा कलीज बेग कई दीनमान वफाई कई जब्बार शाम कई केतरी तनकीद कई लुत्फ लुत्फुला बदवी कई पर वरी जो तनकीद असेंगे जदीद पैराए में मिले थी शाह लतीफ से तो वह तनवीर अब्बासी जी थी मिले छो तो तनवीर अब्बासी शाह लतीफ के वरी नए पैरामीटर्स में यानी दुनिया जहाँ मौजू बदलजन था दुनिया के अंदर जी जी रिसर्च थे थी तीय तीय दुनिया में मौजू नवा अचन था इंसान पेंजे विजूदी तौर से इंसान पेंजे विजूद में वैरायटी पसंद उनका केतरा ही मौजू है दुनिया तदी अगत वे थी जैसे वे नवा मौजू पैदा कंदी थी वे नवन मौजू दा तवज डींदी थी वे तो आं समझा तो तनवीर अब्बासी वरी उ मू हो जै शाह लतीफ के उन मगरबी जो पैरामीटर्स तनकीद जहा हुआ उन पैर पर्क कई छो तो आं समझा तो शाह लतीफ के जी कार्लाइल के दलील से वही परखजे तो यह नंढड़ी गाल इन बुनियाद से तो हर को शायर थी सके तो पर उन तो शाह लतीफ जो है उन खसूसियत यह ना है जो कार्लाइल पे टिन दलील से चैन से डनी है शाह लतीफ वो है जो आम मानु की बोली तो गाल शाह लतीफ वो है जो आम मानु के फिलोसॉफी अड़े तरीके से तो समझाए जो उनके संस पैंजी आम रोजमर्रा जिंदगी थी लगे शाह लतीफ वट इंसान के जज्बन एहसासन जो किए कदर है शाह लतीफ जैसे वतन मुल्क कौम की गाल करे तो मारूरन की गाल करे तो गरीबन की गाल करे तो वह किए तो करे शाह लतीफ जहाँ मौजू जन वे अमीर ना बादशाह ना सौदागर ना उमरा ना रईस ना शहजादा ना बल्कि वे आम हारी नारी वे जो रोजमर्रा जहाँ धंधा में पहरियों भेरो ओपेरा या नाटक जो बुनियाद भी विधो ये सब विरहांगे का पहरी जो गालियों हैं मुमताज असि तां दे हलंदासी पहरियों सवाल त सिंधी अदब जो है अफसानवी अदब है जैमें असि ड्रामे का अफसाने का नावल ताई टई शयूं तां इख्तसार सां डिस्कस कंदो छा तवी समझो था त जो बुनियाद असाजे बुजुर्गन अफसानवी अदब के हवाले से विधो उनते जेका इमारत खड़ी थी वह छा दुनिया के बेहतरीन अदब से कुलो कुल में मिलाए बीठल नजर अचे थी मेहरबानी नसीर साहब बुनियादी तौर ते अदब शख्सियतों में जन्म न वठंदो है खास तौर ते क्रिएटिव अदब जो तखलीकी अदब जैसे पान चवंदा आयो वो तारीख से गड हलंदो है जी तारीख उ तारीख जी इंसान की तारीख होंगी है 47 में सिंध जो विरहांगो है उन न रुगो सिंधी समाज सिंधी तारीख में वो छिड़क दिनों पर उन सिंधी अदब में भी वो छिड़क आयो सिंधी अदब बिन हिस्सों में हलो वो इतना जन्म वठंदड़ सिंधी अदब जो एकड़ो हिस्सो हिंदुस्तान ना लडे वो या कुछ बिन मुल्क ना हलो वो बो हिस्सो इत रही वो जो इतना लडे वो हिस्सो उनके भी असा पाँ सिंधी अदब में इनकर मुख्य तौर पर शामिल रखा छाकाण त तारीख हलंदी पे आई तारीख के धक लगो ए अदब के बेछी हो रसो उते जो इतना जो लड़े वो हिस्सो वो जो अदब की जी असि तैंजो जिक्र कर बुनियाद विझंदड़ हो जैमें इतना लड़े वींदड़ जैके मिनोरिटी न तो चवान हिंदू सिंधी में शामिल न तो विरहण चाहें तो नहीं विरही आया जो इतना असो सिंधी अदीब होदा हलो वो वो जै अदब के वधाए रो हो उन अदब जो बुनियाद
जैके असि चवंदा आहियूं गफूर साहब वेठो आहे जंहिंखे असीं तनक़ीदी धाराउनि में असां उनखे ॾिसंदा आहियूं उहो जदीद अदब सां उनखे असीं भेटींदा रहियासीं उन वक़्तु जॾहिं हू अदब आहे जॾहिं हू उते वियो त उन में हिकिड़ी जेकी इंसानी नफ़्सियात ऐं अर्बनाइज़ेशन वारो जेको अदब उते हिकिड़ो पैदा थियो उनजो असर असां ते बाद में जॾहिं 60 वारे ॾहाके में उहो अदब पहुतो उनजो हिते असर अचणु शुरू थियो न रुगो उनजो पर उन सां गॾु जेकी सॼी दुनिया में तख़लीकी अदब तख़लीक थियणु लॻो ऐं उनजो हिते छो त असां वटि जेको पहिरियां ई अदब हिते मौजूदु हो उनजो घणे भाङे मिर्ज़ा कलीज बेग साहिबु हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू हुयो हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स हुयो हिकिड़ो अहिड़ो इदारो हुयो जंहिं तमामु घणो कमु करे उनखे पहुचायो पर उहो हिकिड़ो सिधो अदब हो जीअं हिकिड़ी माखी हूंदी आहे तव्हां थाल ऊंधे ते रखो होरियां होरियां हलंदी आहे ज़ैन ज़ीनत जहान आरा या गुरु पंहिंजो आसानंद ममतूरा साहिब जो अदब अब्दुल रहमान अहिड़े क़िस्म जो जेको अदब हो वरी शेख अयाज़ उन दौर में शामिलु थी कहाणी में जेको शामिलु थियो नजम अब्बासी थियो त उहो हलंदो थिए आयो होरियां होरियां पर जॾहिं हीउ छिरक आयो छिरक सां इहो थियो त जेको हुतां वारो अदब हो उन हिते असरु विधो न रुगो इहो असरु विधो त असां पाण खे हिकिड़ी आइसोलेशन में महसूसु कयोसीं अदबी हवाले सां त असां वटि हिते जेको मौजूदु अदब आहे उन में त छा बचियो आहे तॾहिं असांखे हिते नज़र अचे पियो त ख़ासि तौर ते जेको अफ़सानवी तख़लीकी अदब आहे उन में असांखे हिकिड़ी ट्रायोलॉजी जेकी साम्हूं नज़र अची वई हिकदमि जन अची उनखे संभारियो हफ़ीज़ शेख साहिबु हो जमाल अबड़ो साहिबु हो अयास कादरी साहिबु हो उन सां गॾु ॿिया बि खूड़ सातरा नाला हुआ ही हिकिड़े अफ़सानवी अदब में ही अची विया पर जेको वॾो कमु थियणु शुरू थियो जेको कंहिं बि समाज में कंहिं बि दुनिया जे माण्हुनि जी तारीख़ में अहम हूंदो आहे उहो उनजी सकाफ़ती ऐं लोक अदब जी तारीख़ हूंदी आहे असां वटि जॾहिं लोक अदब जे हवाले सां जी एम सैद इब्राहिम जोयो साहिबु डॉक्टर नबी बख़्श बलोच साहिबु उन लोक अदब खे असांजे जदीद तख़लीकी अदब सां गॾु अची बीहारणु शुरू कयो त असांजे जदीद जेको हिते जेको सर्जणु लॻो अदब उन ते बि उनजो असरु पवणु शुरू थियो पर नतीजो इहो थियो त हिकिड़ी वॾी बिरांग असांखे मिली जेकी असांखे 60-70 वारे ॾहाके में नसीम खल जी सूरत में मिली ऐं उनखां पोइ अमर जलील नूरुल हुदा शाह या ॿिया जेके आया उन्हनि उन हिकिड़े अफ़सानवी अदब ते असरु विधो पर असां उन वक़्तु ॾिसी रहियासीं जेको दुनिया में ॿाहिरि जेको अदब जंहिंजी असीं भेट न बि कयूं पर उहो जेको हिते जन फिकिरी लाड़नि जन फिकिरी धाराउनि या जन ट्रेंड्स या टेंडेंसीस जेके हू चवंदा आहिनि उहो जॾहिं रोशनास थियो उहो बि हिकिड़ो वॾो जंप हुयो जंहिं हिते चयो त असांखे हिकिड़े वक़्त में जेको सियासी हिते मोहरक रहिया छो त विरहाङो हिकिड़ो वॾो न रुगो ख़ाल पैदा कयो वॾो धकु रसियो पर उन सां गॾु उनजी हिकिड़ी सियासी डायमेंशन्स तब्दील थिया सियासी रुख बि मटिया उन्हनि सियासी रुखनि समाज ते मुआशियात ते बि असरु कयो त उहो जेको असां वटि हिकिड़ो सियासी नारे हेठि अदब जी जेकॾहिं तरवीज थियणु लॻी हुई जेकी लेफ्टिस्ट ख़ासि तौर ते असरअंदाज़ थिया हुआ तरक़ी पसंद जे नाले सां त डॉक्टर साहिबु उनखे वधीक एलबोरेट कंदो त उहो जेके असांजी तनक़ीदी जेके या जेके ट्रेंड्स हुआ अदबी लाड़नि जा असीं उनखां अणॼाण रहण जे करे असां हिकिड़ो सिधो अदब तख़लीक़ करणु लॻासीं उन सिधे अदीब तख़लीक़ करण जे करे असांजी जेको हिकु त वॾो धकु आयो असांजी होॾां शिफ्ट थी वई वॾी आबादी शहरी आबादी ॿियो ही धक अची वियो त असां सियासी अदब जे असर हेठि रही उन्हनि अदबी तख़लीकी अदब जे समूरे ज़ावियनि ऐं मोहरकनि खां थोरो परे थी वियासीं त हीउ हिकिड़ो जेको ॿियो जेको दौरु आयो उहो उन ई असर हेठि रहियो पर उन में असीं ॾिठोसीं त कुझु माण्हू अहिड़ा हुआ जन निज तख़लीकी अदब जॾहिं लिखणु शुरू कयो जंहिंमें नसरी अदब ख़ासि तौर ते जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो था त उहो जेको नसरी अदब हो उन ई जा असर ईंदड़ जेको लेखक हुयो उन वठणु शुरू कया न त आमतौर ते इहो थींदो आहे त पोएं लेखक खे ईंदड़ लेखक या त नज़रअंदाज़ कंदो आहे या उनजो डिटो थी वेंदो आहे पर असां वटि ईअं न थियो असां वटि हर कंहिं डिक्शन पंहिंजो धार पैदा करणु शुरू कयो जंहिंमें ख़ासि तौर ते अमर जलील पंहिंजे धार डिक्शन सां अची वियो कमर शहबाज़ पंहिंजे धार डिक्शन सां अची वियो आगा सलीम पंहिंजे धार डिक्शन सां अची वियो वरी अॻिते जॾहिं विख वधी त उते वरी नूरुल हुदा शाह तारिक़ आलम जॾहिं वरी उन ते पाण ॿिए हिकिड़े ॻाल्हाईंदासीं त उहे उन्हनि जा हिकिड़ा नवां जेके डिक्शन साम्हूं अची विया मुमताज़ तव्हां तमामु सुठो इन ते रोशनी विधी पर असां बुनियादी तरह सां ज़िक्र कयो पिए त जेको अफ़सानवी अदब आहे जंहिंमें नए जिदत ऐं नए अंदाज़ सां जेको लिटरेचर अचणु शुरू थियो अफ़सानी अदब ते असीं हिन वक़्तु ॻाल्हायूं पिया उहो आहे त 1930 में पहिरियों दफ़ो सिंध में हिकिड़ी टे वॾियूं हस्तियूं
जेके इंतहाई पढ़ियल लिखियल आलिम फाजिल हस्ती हुई जिनके न फकत पैंजी सिंधी बोली ते उबूर हुयो पर उन्हें वेस्ट जे भी केतरे लिटरेचर ही बोलियन जो इदराक हुयो उन्हें टे बुनियादी क्रिएटिव राइटर्स जो जो नाला है उनमें नादिर बेग मिर्ज़ा साहब है जो बार एटला हुयो इंग्लैंड में हो बार एटला कर आयो हो उन गडो गड बी वी हस्तियों वो आसानंद ममतू राय साहब है टी हस्ती है अमरलाल हिंगोरानी साहब ही ब हिंदू मजहब से उनको ताल्लुक है पर इंतहाई पढ़ियल लिखियल वेस्ट के अफसानवी अदब जो पूरा उन्होंने इदराक हो जडे नादिर बेग मिर्ज़ा मिर्ज़ा कलीज बेग साहब जो फर्जंद हुए और जो वेस्ट जो अफसानवी अदब पढ़ी आया तो इन टिन्ही जणन गडजी 1930 में सिंधु रिसालो जो जारी थो उनमें उन्होंने जदीद रंग जा अफसाना लिखा जिनते अगते हली शेख अयाज साहब 1947 में सुफेद वैशी जमाल अबड़े साहब 1955 में पिशु पाशा के नालन से अफसानवी सफर शुरू कयो उनमें उन बिया भी अहम नाला हैं वो असि वठता अगते था हलूँ एकड़ो तो अयाज कादरी साहब है बिल्लू दादा के नाले से उनको अफसानवी मजमू आयो पिशु पाशा के उनवान से जमाल अबड़े साहब जो अफसानवी मजमू आयो जनाब गुलाम रब्बानी आगरो साहब उन आबे हयात के नाले से ये समझो तो विरहांगे का सिंधी अफसानवी अदब जो बाकायदा जबरदस्त दुनिया के मुकाबले में आनीदड़ अफसाना जहाँ जो नमूना जाहिर थे असा ये टे बुनियादी चौथों हफीज़ शेख साहब भी उन्होंने शामिल हो और बिल्कुल दुरुस्त त असो सिंध जो जो शहरी मुआशरो हो वो असो हिंदु के लड पलान के कर हलो वो पर बावजूद उनके असो सिंध जो मुआशरो कल भी जागीरदाराना रूरल बेस्ड रो है इन कर अफसाना निगारन बुनियादी तरह से इन ही अंदाज जहाँ अफसाना लिखा अगत जो भी अफसानवी नमूनो है असं उन्हें हल्दी आऊँ प्रोफेसर गफूर साई जिन का हल्दुस संदन बुनियादी हैसियत एकड़े मौकिक एकड़े नकाद जेके दुनिया जा जदीद नजरिया वो सिंधी अदब में किए इंट्रोड्यूस थिया और मुझे सवाल गफूर साई तक यो है तो यो छो जरूरत महसूस कई वही विरहांगे का छो तो उन वक्त ताई तो या रोमेंटिक अदब जो तहरीकू हुई मानू रोमेंटवी अदब के क्रिएट पे कंदा हुआ या वरी तरक्की पसंद की लहर जो उर्दू अदब में आई तभी समझो था सिंध के 1947 का शुरू थींदड़ अदब बुनियादी तरह से पेरी पेरी कड़ी नजरियात नजरियाती तहरीकों जो असर कबूल कयो आई उन जे बुनियाद ते अदब तखलीक कयो थैंक यू नसीर मिर्ज़ा साहब बुनियादी तौर से ये तनकीद जो अहम सवाल है जरे असा तनकीद जी गाल कंदा आयो ते एकड़ी गाल असा के पहरी समझी छन गुरजे त तनकीद को एब्सोल्यूट सब्जेक्ट कोने आई तनकीद सोशलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड फिलोसॉफी से रिलेटेड ताजी मेटाफिजिक्स से तो तनकीद बुनियादी तौर से तख्लीक करण वाले का भी दुख्यो इंतहाई वधीक जुम्मेदाराना कम है तनकीद जो बुनियादी मतलब यो है त कें खरे खोटे की तमीज करण कें शैपारे के वरी वापस नए तरीके से क्रिएट करे पढ़ंदड़ ताई पहचान उन्हें जी जिंदगी जो तयुन करो हाँ तनकीद जड़े असा नजरियन के बुनियाद ते असा गाल कंदासी तो तनकीद जा नजरिया केड़ा है तो असा यूरोप का इनके शुरू कंदासी तो सब का पहरी सुजागी वाले दौर में तनकीद जो नजरियो जो हों उनमें एक तहरीक हली हुई क्लासिकल दौर की तहरीक जेका अकल के बुनियाद यानी अदब जो अदब जो हो उनमें बुनियादी तौर से अदब अकली बुनियाद अग्न हो वो थाट प्रोवोक हों उन अंदर सवाल जिनकी लॉजिक हो जिन जो जवाब को अकल के बुनियाद हो उन तहरीक यूरोप के वा असर छा असट असा समझा आयो तो असो जो क्लासिकल दौर गुजरियो है शाह लतीफ़ का वी बेदल ताई जो है यो क्लासिकल दौर है बुनियादी तौर से यो क्लासिकल दौर अलग शै है क्लासिकल तहरीक
तनकीद की अलग शय उन यूरोप के अंदर रोमांटिसिज्म की तहरीक अचे थी जेका रूसो की फिलासॉफी का शुरू थी थिए विलियम वर्ड्सवर्थ उनके उनको बुनियाद रखे तो अदबी हवाले से वह तहरीक नेचुरल फिनोमेना में अचे थी तो अदब वो जो आम मानू ताई पहुंचे आम मानू की जबान में हुए नेचर के वेझो हो ड्राइंग रूम जी जो है सो अकली सख्तियों के बाहर हुए उन तहरीकू तब्दील थी थीन एक वही तहरीक दुनिया में अचे थी तरक्की पसंदी की तरक्की पसंदी वद में वद दुनिया के मुतासर करे थी सिंध के अंदर विरांगे का जगह अस थोड़ो गौर करूँ तो पैं असो अदब जो है विरांगे का अग तरक्की पसंदी जहा असर उनमें अचान शुरू थे हुआ अदो अब्दुरहमान जो मिसाल है शेख अयाज की कहानी सफेद वैशी या सागी वक्त जो अदब के अंदर जेका मावराई तहरीक जेका दुनिया में हली हुई उनको मिसाल भी असा शेख अयाज की कहानी शराबी में मिले तो ये एक बुनियादी सिम्पटम हुई तो उन वक्त अदब के अंदर ए फेमिनिज्म की तहरीक भी असा उन वक्त असा मिले थी जी तुम मिर्जा कलीज बेग की गाल कई तो जीनत नावल के अंदर बुनियादी तौर से लिबरल फेमिनिज्म जो ओण मौजूद है पर विरांगे का असाज अदब में अदब पातार जी वो फिलहाल तो मानू जी उन्होंने एक डिवीजन पैदा थी तो हाँ अदब जो वो कड़ो रुखो एकड़ो तबको उन वक्त असा वो तो मिले जो स्टेट के पॉलिसिन के या स्टेट की तारीफुन में शायरी भी करण लगे तो एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक लिखण शुरू करे तो जी रशीद अहमद लाशारी आ इब्राहिम खलील आ सलीम गाड़ोई आ इन जी तुम शायरी उन वक्त में पढ़ा तो तक लगन तो ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक अदीब हुआ जिन पी पॉलिसी शुरू कई पर जस्ट उन वक्त अस तरक्की पसंदी जी तहरीक शुरू थी थिए खास तौर से 1967 का जैसे वन यूनिट तो लगे तो उन वक्त अदब के अंदर तमाम वे तेजी से मजामती तहरीक शुरू थी थी वे आ समझा तो सिंधी अदब जो विरांगे का हालांकि यो मानू चवन था तो नजरियात में जैसे अदब विरायो वो तो अदब के नुकसान पहचंद फनी लिहाज का पर आऊँ चवा तो नजरियात में जैसे अदब विरायो वो तो 1967 में सिंधी अदब जो सुनहरी दौर शुरू तो थे उन वक्त असा तमाम बड़ा नाला था मिलन ए दुनिया के लेवल से छो तो उन वक्त तरक्की पसंदी तहरीक जी हुई उनको बुनियादी जो फिलोसॉफी बुनियादी जी उन हुई वह सिंधी आम मानू समझे पो जी मसलन जी मार्क्सिज्म है तो आम सिंधी शागिर्द भी उनके डिस्कस कह चाइना जो इनकलाब है तो उनके आम सिंधी मानू गाल वेठो जी दुनिया जो उन वक्त तरक्की पसंद अदब है तो वो सिंधी में मौजूद तरक्की पसंद अदब मौजूद हो अज भी तक अज भी तुम खड़ी दिसा तो उन वक्त जहाँ नावल मसलन जे मारिया न मौत तनवीर अब्बासी जो तर्जुमो थे मिले तो फांसी की छाव में तर्जुमो थे एक अड़ा अड़ा मोहरिक हुआ जो तरक्की पसंदी जहाँ फिक्री बुनियाद हुआ जो सिंध में दाखिल थे उन बुनियाद से आम मानू के वेझो अदब थो अदब सिंध के कुंड कुर्च में सिंधी तहरीकुन के जन्म दियण लगो मजामती तहरीकुन के जन्म दियण लगो ए सिंध की पॉलिटिक्स जो रुख तब्दील न कर छो मजामती तहरीक यो या तहरीक जो प्रोग्रेसिव तहरीक हुई उन तहरीक सिंध में तमाम वो इनकलाब बर्पा कर उन जो दौर जो उन वक्त जो मानू जो को पैदा थो वो सिंध जो दानश्वर थो वो सिंध जो इंटेलेक्चुअल थो हाँ थोड़ी गाल असड़ी इनके वाधाव कदासी ये ना तो ये तरक्की पसंद दौर आराम से पैदा थी वो तमाम वही मुखालफत थी उनकी उन वक्त जहा उ मानू रिजत पसंद जो तहरीकुन जहाँ मानू हुआ उन जुलू क्यों बायदा कदें अदब की आड़ में किताब लिखो वो तो कदें पाकिस्तान के नजरियात के खिलाफ अड़ा किताब लिखा वह उन वक्त असा उ मानू मिलन था जिन तनकीदी लिहाज का मसलन तनकीदी लिहाज का असा गुलाम अहमद ग्रामीय जो पर्यों मकालो जो इन तरक्की पसंद अदब के बचाव में मिले तो जिनो वो मकालो तवील जो मकालो हो
1970 में वरी असांखे जल्दी अंधा औंधा वे जे रसूल बख्श पली जो किताब मिले तो उन्हनि तरक़ी पसंदी जो बचाव कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तरक़ी पसंद तहरीक अॻियां वधी। पर ॻाल्हि इहा आहे त दुनिया जूं तहरीकूं बीठल पाणी वांगुरु न आहिनि। जीअं जीअं दुनिया तब्दील थिए थी तीअं तीअं तहरीकूं तब्दील थियूं थियनि, तीअं तीअं नज़रिया तब्दील था थियनि, तीअं तीअं तनक़ीद जा रुख तब्दील था थियनि। तनक़ीद दुनिया में तरक़ी पसंदी जे दौर जो सोवियत यूनियन जे टुटण खां पोइ पुॼाणी थी वई। उन खां पोइ सिंधी असां वटि अदब जे अंदरि उनजो पैरामीटर नज़रियाती टुटी वियो, असां वटि नज़रियो टुटी वियो। पर दुनिया जे अंदरि स्ट्रक्चरलिज़म जी तहरीक आई, दुनिया जे अंदरि थ्यूरी रोलैंड बार्थेस जी आई, डेथ ऑफ आथर, दुनिया में स्विसर जो नज़रियो आयो स्ट्रक्चरलिज़म जो, दुनिया में दरिदा जो नज़रियो आयो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म। उन खां पोइ जेको आहे असांखे पोस्ट मॉडर्निज़म जी वॾी तहरीक मिलणु शुरू थी, हाइपर रियलिटी जी तहरीक मिली, ब्लैक ह्यूमर जी तहरीक मिली, उन खां पोइ फास्टिस्ट जी तहरीक मिली, उन खां पोइ पोस्ट मॉडर्निज़म जी मिली, उन खां पोइ असांखे साइकोलॉजिकल नयूं थ्योरियूं मिलणु शुरू थी वियूं हुते। छो त दुनिया जे अंदरि तब्दीलियूं जेके एॾियूं वॾियूं तब्दीलियूं आहियूं, पर हिते असांजी सूरत हाल जेका आहे असां थोरी आहियूं, टाइम एतिरो कोन्हे पर थोरो ॿुधाईंदुसि त साईं असां वटि प्रॉब्लम हिकिड़ो थियो त असांजो अदीब उन दौर में अटकी बीह रहियो। असांजो अदीब उन तरक़ी पसंदी दौर में अटकी बीह रहियो, नज़रियो ख़ासि मोकिलायो वियो, हू वरी वापसि अची वियो रोमांटिसिज़म में ऐं महबूब जी ज़ुल्फ़ुनि में ऐं पंहिंजे हिजर ऐं फ़िराक में अची वियो। छो त उन असांजे अदीब जदीद दुनिया जे अंदरि थींदड़ तब्दीलियुनि ते नज़र न रखी, उन्हनि ते बहस मुबाहिसा न थिया ऐं उन जदीद तहरीकुनि ते मसलन आऊं अॼु बि तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंध जे अंदरि को तव्हांखे आङरियुनि ते चंद ॻणण वारा माण्हू मिलंदा जिन द बिगनिंग थ्योरी किताब पढ़ियो। छो त लेटेस्ट तहरीकूं, लेटेस्ट नज़रिया ऐं लेटेस्ट इकनॉमी ऐं हालतुनि में जेके तब्दीलियूं आहियूं उन्हनि तस्वरनि असांजे माण्हू जो पैराडाइम शिफ्ट कोन कयो। नतीजे तौर सां असांजे अदब जे अंदरि स्टेटस को पैदा थी वियो। तनक़ीद जे तौर सां बुनियादी तौर सां मूं जॾहिं शुरू में जेका ॻाल्हि कई त तनक़ीद उहा जेका रिलेटेड हुजे विद ऑल दी सब्जेक्ट्स, त असां उन्हनि सब्जेक्टनि सां जुड़ी न सघियासीं। अॼु जे फिलासॉफिकल दौर में असां अञा पेर कोन पातो आहे, तंहिंजे करे असांजे अदब जे अंदरि तव्हांखे स्टेटस को मिली रहियो आहे। ही बुनियादी तहरीकुनि जो मसलो आहे। गफ़ूर साईं, तव्हां ॾाढियूं सुठियूं ऐं सुहिणियूं ॻाल्हियूं असांखे ॿुधायूं। ख़ासि तरह सां असीं जंहिं मर्कज़ी नुक़्ते ते पहुतासीं उहो इहो आहे तव्हांजी त गुफ़्तगू जो लुबे लुबाब, त 1947 खां पोइ दरअसल सिंधी अदब हिकिड़ो ॿिनि धाराउनि में असांखे विरिहाइबो नज़र आयो। हिकिड़ा प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुया जिन दकियानुसियत खे पे फ़रोग़ ॾिनो ऐं ॿिए पासे रोशन ख़्याली तरक़ी पसंदी साम्हूं आई ऐं उन जो जेको प्लेटफॉर्म आहे बुनियादी तरह सां उहो सिंधी अदबी संगत जो प्लेटफॉर्म हो, जिते मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिबु, सोभे ज्ञान चंदाणी साहिबु, शेख अयाज़, रशीद भट्टी, तनवीर अब्बासी, असांजा शमशेरुल हैदरी, ज़फ़र हसन, इमदाद हुसैनी, हिकिड़ी वॾी ताज बलोच, हिकिड़ी वॾी खेप आहे जेके पू जोभन में पिया आया 1955-60 वारे रहे में, जिन पूरी तवानाईअ सां सिंधी अदबी संगत जे त रोशन ख़्याल वारे नज़रिए खे अॻिते वधायो ऐं सिंधी अदब जेको हिन वक़्तु असां ऐं तव्हांजे साम्हूं आहे इन जी बुनियादु विझंदड़ उहे शख़्सियतूं आहिनि। असीं ॿिए राउंड में उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। अली ज़ाहिद, असीं जॾहिं सिंधी शाइरीअ नसुर खां पोइ असीं तनक़ीद खां पोइ सिंधी शाइरीअ ते हलंदासीं त इहो त तय आहे त असां वटि सिंध में क्लासिकल शाइरीअ जो हिकिड़ो पूरो ज़बरदस्त ज़मानो आहे। काज़ी कादन, शाह करीम बुलड़ीअ वारो, पोइ असांजो बेटाई सरकार आहे, सचल सरवस्त आहे, सामी आहे। क्लासिकल शाइरीअ खां पोइ वरी थोरो क़दुरु असांजो ॿी शाइरीअ जो जेको ज़मानो शुरू थियो आहे, जंहिंमें काफ़ीअ जी शाइरीअ जो रवाजु असां वटि घणो आयो आहे। जीअं हमल फ़क़ीर आहे, असांजो बेदिल साईं आहे, बेकस साईं आहे, मिसरी शाह इमाम आहे, हिननि शाइरनि त वरी
बैत ऐं वाई खां पोइ वरी हिकिड़ी काफ़ीअ जी सिंफ़ ॾांहुं शायरी पंहिंजा पासा बदिलाईंदी पई अचे त नेठि अची असीं जॾहिं 1947 ताईं पहुचूं था त पोइ असांखे डॉक्टर तनवीर अब्बासी साहिबु ॿुधाए थो त सिंधी शायरीअ ॿ वॾा पासा बदिलाया आहिनि, ॿ वॾा छाल ॾिना आहिनि। हिकिड़ो त हे किशन चंद बेवस जो हिकिड़े विहाऊ तारे वांगुरु उभरी अचणु, इन्हनि सभिनी जेके क्लासिकल शायरनि जे मुक़ाबले में हिकिड़े नए डिक्शन खे साम्हूं खणी अचण वारी हस्ती किशन चंद बेवस आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियो जेको डॉक्टर तनवीर साहिब जो जेको क्रिटिकल व्यू आहे त सिंधीअ में नज़्म कोन हुयो, सिंधीअ में ग़ज़ल हो। मिर्ज़ा कलीच बेग साहिबु सांगी गदा हिननि ॾाढा सुठा रवायती तग़ज़ुल आमेज़ इस्लाही फलाही ग़ज़ल लिखिया पिए, रुबायूं लिखियूं पिए, चौसटा लिखिया पिए। पर मिर्ज़ा कलीच बेग वेस्ट जो जेको नज़्म आहे उनखे चंदनहार जी सूरत में उन सिंधीअ में तर्जुमो करे मुतारफ़ करायो त मौज़ूआती नज़्म बि लिखी सघजनि था। ईअं किशन चंद बेवस ऐं असांजो मिर्ज़ा कलीच बेग जो जेको तर्जुमो आहे, इन खां पोइ असीं ॾिसूं था त असांखे बुनियादी तरह सां हिकिड़ो नई वाट ॾिसींदड़ 20 सदी जो ट्रेंड सेटर शायर जंहिं पासा बदिलाए छॾिया सिंधी शायरीअ जा, उहो शेख अयाज़ आहे। त आउं चाहींदुसि त इन पूरे दौर ते त ई शायरी कीअं तब्दील थी आहे, शायरी जे तब्दील थियण जा कहिड़ा असबाब हुया जो शेख अयाज़ छो शेख अयाज़ थी साम्हूं आयो, ऐं शेख अयाज़ जी ॿी हमसर टई जिन में हैदरबख्श जतोई साहबु, अब्दुल करीम गदाई साहबु, बरदो सिंधी साहबु, हीअ सभु छा हुया, हिननि छा थिए करणु चाहियो, सिंधीअ में हुननि छा थिए ॾियणु चाहियो? छाकाणि त क्लासिकल विरसो त ज़बरदस्तु मौजूदु हो, नए ट्रेंड जी आख़िर ज़रूरत कहिड़ी हुई जो ही हुन जा इमाम बणिया? महिरबानी नसीर, जीअं तव्हां हिकु दौर जी ॻाल्हि कई त जीअं साईं ॿुधायो त जीअं दुनिया में तब्दीलियूं अचनि पियूं, मुख़्तलिफ़ नज़रिया अचनि पिया, इनकलाब अचनि पिया ऐं अदब में, त विरहाङे खां पोइ जेका सूरत हाल जुड़ी सिंध में उहा हिकु त ॾाढी क्रिटिकल हुई, हिकिड़ो अहिड़ो वॾो हुयो जेको हर माण्हूअ पंहिंजे अंदरि में महसूसु कयो, ऐं जेके तख़लीक़ार हुया ख़ासतौर ते शाइर, उन्हनि त अञा वधीक उनखे गहराई सां महसूसु कयो। ऐं पोइ उहो हिकिड़ो सिलसिलो जुड़ियो जेके तव्हां हींअर नाला वठी वियो, उन खां पोइ तव्हां तनवीर अब्बासी साहिब जो नालो पहिरीं न वरितो पर बाद में उनजो ज़िक्र कयो, उन में तमामु वॾो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन आहे। त इहा जेका खेप हुई उन्हनि हिकु बुनियादु विधो जिदत जो शायरी में, नज़्म जी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, अयाज़ जीअं त माना हिकु वॾो पढ़ियल लिखियल माण्हू हुयो जे पूरी दुनिया जो अदब पढ़ियो हुयो, उनखे नज़्म जी टेक्निक्स, जदीद नज़्म जी टेक्निक्स जी बि ख़बर हुई, हू सम्झे पियो हुनखे। ऐं पोइ जीअं तव्हां मिर्ज़ा साहिब जी ॻाल्हि कई त हुन नज़्म तर्जुमा कया ऐं हिकिड़ो ट्रेंड ॾिनो त माना ईअं बि लिखी सघिजे थो नज़्म बि, ऐं जॾहिं त असां वटि जेको आहे सो ग़ज़ल ते काफ़ी ते हिननि ते घणी भरमार हुई। मां सम्झा थो त पहिरियों जेको कमु शुरू थियो उहो इहो थियो त माना पंहिंजी सिंधी शायरी खे धारियुनि ॿोलियुनि जे असर मां कढियो वञे, जेको शेख अयाज़ बख़ूबी सरंजाम ॾिनो, जंहिंमें हुन रवायती ग़ज़ल खां हटी करे गेड़ू वेसल ग़ज़ल ऐं ग़ज़ल में ॿिया जेके नवनि मौज़ूआत जा तजुर्बा कया, त उहो हिकिड़ो नओं हिकिड़ो ग़ज़ल असांखे अॻियां रखियो अचे त बाबा ग़ज़ल हीअं बि लिखी सघे थो। ऐं उहो मां सम्झां थो हिकिड़ी इनकलाब तरफ़ हिकिड़ी नवाण तरफ़ हिकिड़ी विखई अयाज़ साहिब जी, जेका ॾाढी सुभारी रही। उन खां पोइ नज़्म में जेके अयाज़ साहिब तजुर्बा कया ऐं असांजे अॻियां रखिया त ईअं महसूसु थियो नज़्म अयाज़ साहिबु हुन नज़्म खे अहिड़े तरीक़े सां अहिड़नि घाड़ेटनि में खणी आयो, पंहिंजा नवां नवां घाड़ेटा जेको आहे सो ईजाद कया, जो असांखे ईअं फील ई कोन थियो त कोई हिकु धारी सिंफ आहे। अयाज़ साहिबु असांखे ईअं नज़्म सम्झायो त ईअं लॻो ॼण असांजी पंहिंजी सिंफ आहे, ऐं पोइ असांजो जेको नौजवान आहे ऐं जेको पंहिंजो पोइ सिलसिलो जेको हली चुरियो अॻिते हली, ऐं उन पोइ उनखे पंहिंजो करे वरितो ऐं पोइ धड़ाधड़ नज़्म जेको आहे सो लिखियो वियो सिंध में। मां सम्झा थो त ॻाल्हि जेका हले पई विरहाङे जी, जेको असांजे अॼु के इन जो निशस्त जो जेको अहम जेको मौज़ू बि आहे, त विरहाङे खां पोइ जेको असांजे सिंधी अदब जो सफ़रु आहे, त विरहाङे जे वॾे जेके तकलीफ़ ॾिनी असांजे सिंधी शाइरनि खे ऐं सिंधी लेखकनि खे अदीबनि खे अंदरि में जेका हुननि खे महसूसु कई, जेको ॾुख ऐं तकलीफ़ ऐं पीड़ा महसूसु कई, उनखे जेको बूस्टअप मिलियो आहे उहो वन यूनिट जी जेका तहरीक आहे उन में मिलियो आहे। उन दौरान उहो जेका अंदर में जेके चश्मा तयारु थी रहिया हुया उहे उबड़ का ॾेई ॿाहिरि आया, ऐं उन में न सिर्फ़ु जदीद नज़्म
जो है सो उन्हें भरपूर एक फ्लो से अग्न अची वो सो आबोताब से अगे आयो पर शायरी की बिन सिंफुन में भी गीत है गजल है उनमें भी इनकलाब जो रंग जो है सो अगे आयो मजीदी साहब हो इब्राहिम मुंशी साहब हो सर्वेश सजावली साहब अड़ा खोड़ सारा नाला है जो माना शेख अयाज का ये माना अगे उभरी आया अचे उन ट्रैक्स के उन शायरी के उन शायरी के सिनफुन के उन नव तजर्बन के जो सो पेंजाओ जलसन में जो है सो इनकलाबी गीत नज्म बेत वायू गजल जो है सो उन पेश किया उन शे के आम करण में तमाम अहम किरदार अदा किया अदल साहब है अयाज गुल साहब है उन्हें टही अचे थी उन्होंने मन पेंजो किया अगत वी आया तो जी टही अचे थी जैमें हसन दर्स है या बागी है अड़े किस्म जो खोड़ सारा शायर हैं उन्हें तो इन्हें पेंजे जिद्दत के इन्हें पेंजे नवान के एडो सलीके से एडे खूबसूरत अंदाज में सिंध के गोठ गोठ वस्ती वहाँ ते पहुँचा जो हर मानू उन शिन के ओन करने लगो उन्हें जो नौजवान की खेप उभरी है सिंध में जी 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 दौर में मौजूद है जैमें खोड़ सारा नाला गणा सकन था जो सो हाजी सांद है अशरफ पली वेठो है अली आकाश है खोड़ सारा नाला जिन माना इन शन के नवा तजुर्बा भी दिना पैंजा नवा ट्रेंड्स दिना उन्हें शेख अयाज दसल वाट हुई उनके वी कर अगत वन पा समझा तो विरहांगे का जो अदबी सफर है सिंध जो उन्हें नसर के भेट में शायरी तमाम घड़ी सघारियों लिखू खन अस जैसे नतीजे में असंदी सिंध में एक तमाम वही खेप जी नौजवान की शायर की मौजूद है ढो खूबसूरत नज़म लिखज पो जो सही गाल कई खोड़ सारी शोट है अस पर ये भी ना अस जिंध के नौजवान के ऊँ उन शय रखूँ उनके स्टडी क्यों तो असें लगन तो माना असो नौजवान इलाही अगत निकरी आया है शायरी के मैदान में तमाम घना सगारा थी चुका है अली तहजी बिल्कुल यह गाल दुरुस्त है असाजे बुजुर्गन या असाजे सीनियर शायरन जी ट्रेंड कायम कया जदीद सिंधी शायरी के लिए असाजे नौजवानन उनके फॉलो किया अगते वी आया है असी बे राउंड में तासा जरूर छाकण त शायरी रुगो मज़ाहिमत जो हवालो बुनियादी तरह सा के वही शायरी जो बुनियादी हवालो मज़ाहिमत ना है पर वर्थ वाइज जो उनमें जी इंटरनेशनल जो पोएटिक वर्थ थे तो एक मैसेज थे तो एक अंदाज थे तो एक शायरानी ताकत थे थी उ कें भी बोली के जे शायर उनके सुणप दियारे थी दुनिया के वन शायर से मुकाबले में उनको टैलेंट है वो तकाबुल में अचे तो असी बे राउंड में जरूर ये पुछंदुस तो सिंफू जदीद सिंफू जी असाजे सिंधी शायर क्यों उन्होंने उन केतो वर्थ पैदा किया शेख अयाज का तनवीर अब्बासी का अहमद सोलंगी हसन दर्स तई हलंदुस खालिद आज़ाद अडा जो बुनियादी कम खालिद एक मार्वलस कम यो है तो उन करीबन जो भी 100 साल असाजे बाराणे अदब की तारीख है उनके मुख्तलिफ़ रुखन से सहेड़ो है जिन में नसर भी है नज़म भी है बार लेखक भी बार प्ले राइट भी बारणियों तंजीमू भी सिंधी अदब में अखबार जहाँ बार सुफा भी बार रिसाल उन पूरी तरह से जबरदस्त जायजो वरतो है खालिद असि थोड़ो जैसे हलंदी मुड़ी तो यह शुरुआत तो उन वक्त ही थी है जैसे 1853 में असि बोली की फॉर्मेशन थी है जैसे 52 अखर वाली उन मिर्ज़ा कलीच बेग है या भेरूमल साहब है वाड़े तारा असी निसाब में पहरियों बारण जो नज़म जिसूँ था तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ही दिसो केडो जबरदस्त मफ़हूम है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ही शायर पे तखयुल दे पेंजे बार के त असा हैरान है तू शे छाई यो एक मिसाल है उन जो खीर पिए सो वीर थिए दंद जोर वटन मिठड़ा घोड़ा ओरिया खूब खुशी से दाणों खा हि एडा हसीन नज़म चाहिंदुस इन समूरे दौर के यो बारणो अदब आया निसाब का शुरू थो है उन क्रिएटिविटी से असाजे शायर नज़म लिखण शुरू किया गीत लिखण शुरू किया तो चाहिंदुस थोड़ा सा बुधायो तो यो बारणो अदब सिंधी अदब इंट्रोड्यूस किए थो है शायद मेहरबानी नसीर साहब
यकीन तमाम वो मौजू है मूं उन कम किया तहकीक के हवाले से अरवंजा में सिंधी बोली जी ही अल्फाबेट शुरू थियण का वी ए वेंदे 2015 तक उन कलेक्ट किया है समझा तो शुरुआती बुनियादी बार अदब्त यकीन 1853 का जी असंजी ही अरबी सिंधी लिपि राइज थी तो तर्जुमन खास तौर पर घो जोर तर्जुमन से हो उन गडो गड कुछ असलोकू शूं भी मौजूद हुई जिनते कम किया दर्सी किताबन से शुरुआत में कम दर्सी किताब घने भांगे बार कहानी जी बाबनामो है वो उनमें बार सबक जो हुआ वे तकरीबन बार कहानी के हिसाब उन स्टाइल में हुआ तो ये बुनियादी जो शुरुआती अदब तखलीक तो आऊँ नो समझा 1853 का वी 1900 तई सिवाय एक मिर्ज़ा कलीज बेग जो किताब बार आखाणियों जो हाँ मिले को पर असें किथे न किथे उनको तहकीकी किताबन में जिक्र ज़रूर मिले तो कंपाइलेशन घणी बार दर्सी किताब घणा तर्जुमो घणो 1890 वालों जो ॾहाको हो जैमें शुरुआत थी बार कहानियों की किताबन की तखलीकी बारन जी कहानियों जो पहरियों किताब ए बारन जी शायरी जो पहरियों किताब 1892-94 1898 में कोड़े मलचंदन मलखिंदाणी उन जो पहरियों बुनियादी हूँ बाबनामे के भी बारन जो पहरियों तखलीकी किताब कें हद तक समझो वे तो पर वो हिंदी में अक्स किया वो तो आऊँ समझा तो हि जो 1890 जो दहाको जो हो 1900 पीरियड अड़ो है जैमें इंसान के अंदर वो जो अंदर जी इम्पेलर्जी थी इम्पेलजन वो एक्सप्लोजन को इम्पेलजन है जैसे करी तमाम वो इंसान बोहरान जो शिकार थी रो तो अदब थी रो हाँ तुम बो सवाल जो उनमें थोड़ो इंदुस तो भाई बुनियादी तौर से एकड़ो दौर लिटरेचर जो लोक अदब जो हो सजी दुनिया के अंदर जी अंदर लोक अदब पैदा थी वो लोक अदब जो मतलब सिर्फ यो है तो वो अदब जैसे फर्द जो न हों ये सजी कम्युनिटी जो हों सजी इज्तमाही मानुन जो हुंदो हो जेकॾहिं को गीत आहे त सभु गॾिजी ॻाईंदा हुआ उन में हिकिड़ी वरंदी हिकिड़े जी हूंदी त ॿी वरंदी उन में ॿियो विझंदो टी वरंदी अञा टियों विझंदो ऐं उहे लोक गीत जिन जो सर्जनार को हिकिड़ो न हूंदो हुओ पर सॼी क़ौम हूंदी ऐं उहो लोक अदब असां वटि नंढे हूंदे ॿार खे सुतीअ में सम्झो मिलंदो हुओ छो त नानियूं ऐं ॾाॾियूं उन्हनि खे कहाणियूं ॿुधाईंदियूं हुयूं आखाणी जेके चई वेंदी हुई देवियुनि ऐं देवताउनि जी जिन्हनि ऐं परीन जी शहज़ादीन जी ॾेसावरनि जी कई कई मुल्कनि जी त ॿार जो तखयुल जेको आहे उहो उन में तमामु घणो वधंदो छो त हू पंहिंजे ज़हनी सोच में तखयुल में परे परे ताईं ॿाहिरि वञी निकिरंदो हुओ ऐं हू पंहिंजी महदूद ज़मानो मकान ऐं सोच खां निकिरी बालातर हुनजी सोच खे अप्रोच मिलंदी त हू सोचे ऐं साॻी वक़्तु हुन में हिकिड़ी रिलेक्सेशन पैदा थींदी हुई जेका ॿार सॼो ॾींहुं पढ़ाई करे या थकी रोटी अचे त हू माउ जी गोद में हुनखे अजीब सुरूर ऐं रिलेक्सेशन मिलंदी हुई जॾहिं माउ हुनखे वरी लोली ॾींदी हुई ऐं माउ हुनखे जॾहिं लोली ॾेई सुम्हारींदी हुई इहा गोद या ॿारनि जी आखाणियूं इहो असांजे लोक अदब जो बुनियादु हो ऐं वरी असांजे लोक अदब जी जेको ॿियो बुनियादु हो उहो हो माण्हूअ खे फ़िक्री नुक़्ता ॾियणु माण्हूअ खे समाजी क़दुरु ॾियणु माण्हू खे अख़लाक़ी क़दुरु ॾियणु रवायतूं ॾियणु कल्चर ॾियणु जेको ओताग में थींदो हुओ जेके ओताग में नौजवान गॾु थींदा हुआ उन्हनि जे उते नौजवाननि खे जदीद उन वक़्त जा रवायती ऐं जदीद उहे सभु शयूं उन्हनि खे मुंतकिल कयूं वेंदियूं छो त उन वक़्त में जेकॾहिं स्कूल यूनिवर्सिटियूं कोन हुयूं जिन में उहा इंफॉर्मेशन मिलंदी हुई आउं सम्झा थो त लोक अदब अॼु बि ज़िंदा आहे पर प्रॉब्लम इहो आहे त असां अर्बनाइज थी वियासीं असांजी 60% आबादी जेका अर्बनाइज़ थी आहे उहा त थी आहे पर जेका ॻोठनि जे अंदरि जेके हींअर हिन वक़्तु हीअ डिजिटलाइज़ेशन जेका अची वई आहे उन डिजिटलाइज़ेशन जे अंदरि हींअर नानियूं ॾाॾियूं आखाणी कोन थियूं ॿुधाइनि न को ॿारनि वटि टाइम आहे उहो चवंदा त असांखे इहे मोबाइल ते इहो टाइम ॾियो त गेम वेही करियूं ऐं नतीजे तौर सां हीउ जेको हिकिड़ो वॾो विज़डम जेको हो उनखां असां महरूम थी रहिया आहियूं ऐं इन डिजिटलाइज़ेशन जे करे माण्हू जेको आहे उहो अप्लाइड थींदो वञे ऐं माण्हू रोबोट थींदो वञे ऐं नतीजे तौर सां विज़डम जो दौरु ख़तमु थींदो वञे असां रुगो इंफॉर्मेटिव थींदा वञूं ऐं हिकिड़ी मेन शइ जेका हुते ॿुधाईंदो हलां त असां वटि जेका वॾे में वॾो मसइलो आहे उहो इहो आहे हीउ जेको तनक़ीद जो बुहरान हिन वक़्तु हिकिड़ो पैदा थियो आहे त तनक़ीद बि उहा कोन पई थिए लिटरेचर में बि स्टेटस को आहे उनजो वॾे में वॾो सबबु जेको आहे उहो इहो आहे त असां पंहिंजा कल्चरली जेके ट्रेडिशन्स आहिनि कल्चरली रवायतूं आहिनि
जेके पॉजिटिव आहिनि, जेके वैल्यूज़ आहिनि, जेके वैल्यूज़ असांखे नेचर ॾींदी हुई, क़ौम ॾींदी हुई, समाज ॾींदो हुओ, उहो हाणे असांखे वैल्यूज़ जेके आहिनि उहे असांखे टेक्नोलॉजी ॾिए थी, उहे असांखे मीडिया ॾिए थी, उहे असांखे एडवर्टाइज़मेंट ॾिए थी। तंहिंजे करे आहिस्ते आहिस्ते असां पंहिंजे वैल्यूज़ खां परे जो थींदा वञूं त विज़डम खां परे थींदा था वञूं, ऐं असां सिर्फ़ु इंफॉर्मेटिव आहियूं। ऐं नंबर ॿियो, असां रिएक्टिव थींदा वञूं था, असां रिस्पॉन्स ॾियणु शुरू छॾे ॾिनो आहे, असां हाणे रिएक्शन करणु शुरू ॾिनो आहे। नती तौर सां असांमें मसइप पैदा थी वई आहे, असां कंहिंजी ॻाल्हि खे बर्दाश्त कोन था करियूं। हीअ हिकिड़ा अहम बिटर क़िस्म जा एस्पेक्ट्स आहिनि लाइफ जा, जेके अॼुकल्ह जेके आहिनि सो असांजे इन लिटरेचर खे तमामु घणो धकाणी रहिया आहिनि। टाइम जी थोरी आहे, तंहिंजे करे आऊं। गफ़ूर साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां तमामु अहम नुक़्तनि ते रोशनी विधी आहे, उनजो फिलासॉफिकल एनालिस तव्हां कयो आहे। पर असांजो जेको सिंध जो समाज आहे उहो छाकाणि त एग्रीकल्चर बेस्ड आहे ऐं उहो सदाई रहंदो, छाकाणि त दरिया सिंध आहे ऐं असांजा किनारा हमेशह सरसब्ज़ ऐं शादाब रहंदा, ऐं असांजो लोक अदब पैदा थींदो रहंदो, जिन खे हिकिड़े हदि ताईं डॉक्टर भलो साहिबु जिन सहेड़े चुका, पर ईंदड़ ज़माननि खे वरी के नए भलो साहिब जी ज़रूरत आहे। जेको छाकाणि त असांजो ही रूरल समाज कॾहिं बि अर्बनाइज़ न थी सघंदो मुकमिल तरह सां, 100% असीं अर्बनाइज़ न थी सघंदासीं। इन करे असांखे तवक़ो आहे, यकीन आहे त असांजो लोक अदब ज़िंदा रहंदो। ऐं असीं आऊं हिन वक़्तु छाकाणि त आङुर फिरी चुकी आहे त तव्हांजो वक़्तु ख़तमु थी चुको आहे। रेडियो में हिकिड़ी रवायत आहे त जेकॾहिं 5 मिंटनि जी तकरीर हूंदी आहे त असीं आङुर फेराईंदा आहियूं, माना तव्हां हाणे वाइंडअप कयो, ऐं जेकॾहिं आङुर हीअं अचणु शुरू थींदी आहे त माना जेका शइ जिते आहे उते ख़तमु करे छॾियो। सो आऊं उहा जेका शइ जिते ख़तमु करण खां पहिरीं ख़ालिद आज़ाद जा थोरा थो मञा, केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांजे वटि हूंदियूं पर टाइम कोन्हे। अली ज़ाहिर, तव्हां खां बि असांखे कुझु करिणो हो, पुछणो हो मोहतरम साईं डॉक्टर प्रोफेसर गफ़ूर मेमण साईं मुमताज़ बुख़ारी, ऐं उहो जेको हीअं जुमिलो आहे उहो ईअं हो त मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा दादवी साहिबु का मज़हबी तकरीर पई कई त हुनखे प्रोड्यूसर हीअं घुमायो त हू वाइंडअप ॾांहुं आयो, पर जेकॾहिं हीअं आङुर आई त माना जेका जेका शइ जिते आहे उते ख़तमु करणी आहे। ऐं उहो इहो जुमिलो हो त रसालत माप सलाहु अलाह वसलम फरमायो, ऐं आङुर जीअं ई हीअं थी त हुन चयो वमा आख़िरना वमा अलैना इलल बराख, छॾे जीअं नामवर विया पंहिंजो नालो, करियूं तुंहिंजी असीं पिण जी कशालो, वठूं मोटी जॾहिं रस्तो रबानी, छॾियूं का पाण पोयनि लाइ निशानी, त मन को रह गुज़र न ॾे निहारे, लंघे हिन रुंज मां पहुचे नज़ारे। असांजे 73 सालनि में जेको सिंधी अदब जे लाइ शानदार कमु सरंजाम ॾिनो आहे, असांजो पोयर नओ नसुल उन ते विखूं अॻिते वधाए पियो, ऐं असीं तवक़ो था रखूं त हू पंहिंजनि अज़ीम बुज़ुर्गनि शेख अयाज़ ऐं शमशेर उल हैदरी तनवीर अब्बासी इमदाद हुसैनी खां वधीक बहितर हिकिड़ी सूरत में ईंदो ऐं उनखां हसीन तर शाइरी सिंधी ॿोलीअ में तख़लीक़ कंदो। आयल सभिनी महिमाननि जी बेहद थोरायतनि ॿिए सेशन जे लाइ ऐं नासिर साहिब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अची मॉडरेट कनि।